नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 जून शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। अलवर में कलयुगी बेटों की शर्मनाक हरकत सामने आई है। जमीन बंटवारे के लिए बेटों ने अपने ही माता पिता की पिटाई कर दी। इसके बाद दोनों माँ बाप घर के आंगन में तड़पते रहे। आसपास के लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्हें लेकर जिला हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ दोनों का इलाज चल रहा है। मामला बीबा रानी खेड़ा गाँव का है। बताया जा रहा है कि बेटे दिलीप और हितेंद्र ने पिटाई कर दी। घटना के बाद में दोनों बेटे फरार हो गए थे। पुलिस ने दोनों बेटों को हिरासत में ले लिया है। 60 साल के बुजुर्ग उदयचंद और 55 साल की उनकी पत्नी राजबाला के 3 बेटे और 3 बेटियां लक्ष्मी, मधु व बीना हैं। इनमें सबसे बड़ा बेटा हितेंद्र और छोटा बेटा दिलीप साथ रहते हैं। सबसे छोटा बेटा परविंदर अलग रहता है। दंपति की बेटी ने बताया कि मां राजबाला चाय बना रही थी। इसी दौरान दोनों भाई जमीन बंटवारे को लेकर बहस करने लगे। पिता ने भी समझाइश की, पर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों ने मां को जमकर पीट डाला। बीच बचाव में आए पिता की भी बुरी तरह पिटाई की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर जिले में एसओजी के निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल की जमानत निरस्त करने को लेकर दायर अर्जी पर अब सुनवाई 11 जुलाई को होगी। एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन यह टाल दी गई। इस दौरान सुनवाई में पहुंची दिव्या मित्तल ने मीडिया से कहा, मेरे ऊपर लगाए आरोप षड्यंत्र का हिस्सा हैं। 2 करोड़ की रिश्वत मामले में दिव्या जमानत पर रिहा हैं। उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। इसकी किसी भी स्तर पर जाँच करवाई जा सकती है। एसीबी ने जिस मामले में गिरफ्तार किया था उसमें एक ही रिकॉर्डिंग है, उसकी 2 बार सीडी बनाई। मुझे जो सीडी प्राप्त हुई है उसमें जो शब्द हैं वह अलग हैं। इसके अलावा जो परिवादी ने शब्द बोले हैं उसे भी मेरा बताया है। 2 करोड़ से लेकर 1 रुपये तक की डिमांड मैंने नहीं की। फरार साथी कांस्टेबल सुमित के सवाल पर बोली, एक चीज क्लियर कर दूं कि वह बर्खास्त नहीं है, उसने राज्य सेवा से त्याग पत्र दिया है। बीकानेर जिले के खाजूवाला में दलित युवती से गैंगरेप और हत्या के मामले की जानकारी लेने के लिए दिल्ली से राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के सदस्य बीकानेर आए। पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि की पहली किस्त के रूप में करीब 4,15,000 रुपए भी मिल गए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष रामनाथ पारदी ने कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि खाजूवाला में गैंगरेप और हत्या की घटना के बाद लोग डरे हुए हैं। 1 जुलाई से स्कूल खुल जाएंगे, बेटियों को स्कूल भेजने की चिंता लोगों को सता रही है। पारदी ने कहा कि जिस तरह से वहां की पुलिस की मिलीभगत अपराधियों के साथ उजागर हुई है, उसके बाद लोगों को भरोसा पुलिस से उठ गया है। उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होने पर ही लोगों का भय दूर हो सकता है। पुलिस को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभानी होगी। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक से भी बात की जाएगी। पारदी ने मुख्य आरोपी दिनेश बिश्नोई की गिरफ्तारी शीघ्र करने के निर्देश एसपी को दिए हैं। झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे के शोपुरा गांव में परिजनों से मारपीट कर नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग लड़की और मुख्य आरोपी अंकित स्वामी को दस्तयाब करने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। घटना को अंजाम देने वाले बदमाश सुनील यादव, राजेंद्र बिश्नोई, सुनील बिश्नोई घटना के बाद बदमाशों का आरोपियों का सहयोग करने वाले बिरबल राम, दीपक सैनी, अनीश कड़वासरा, राकेश मीना को जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया है। वही घटना के विरोध में परिजनों के साथ ग्रामीणों का धरना चिड़ावा थाने के बाहर जारी है। एसपी श्याम सिंह ने बताया कि 22 जून को देर रात शोपुरा गांव में बिना नंबर के कैंपर गाड़ी में आरोपियों ने नाबालिग के घर में घुसकर परिजनों से मारपीट की और नाबालिग का अपहरण कर फरार हो गए थे। राजधानी जयपुर के मालपुरा गेट इलाके में 5 दिन पहले जैन नसिया रोड पर मिले युवक की लाश के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए यूपी के पीलीभीत के हत्यारे दोस्त को पकड़ लिया। आरोपी ने मृतक से 40,000 रुपए लूटने के लिए नशे में होने के दौरान पत्थर से सिर में वार करके हत्या कर दी। अगले दिन आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को बाइक पर लेकर पटरियों पर डालने के लिए रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में सड़क टूटी होने के कारण बाइक अनियंत्रित हुई तो शव वहीं पर गंदे पानी में गिर गया। उसके बाद आरोपी ने शव को साइड में किया और परिजनों को लेकर यूपी भाग गया। गिरफ्तार आरोपी सोनू अली यूपी के पीलीभीत स्थित बीसलपुर का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बाइक में 26,200 रुपए बरामद किए हैं। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
अजमेर के सिविल लाइन थाना पुलिस ने युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी ट्रक चालक जिला करौली निवासी 25 वर्षीय नरेश सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीड़िता को बहला फुसलाकर संबंध बनाए और अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल कर रहा था। साथ ही आरोपी के द्वारा पीड़िता को कंटेनर से मारने का भी प्रयास किया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। 7 अप्रैल 2023 को पीड़िता ने दी शिकायत में बताया कि 5 वर्ष पहले घुघरा ग्राम में शराब का गोदाम था, जिसमें आरोपी नरेश गुर्जर ट्रक चालक ट्रक में शराब लेकर जाता था। इस दौरान आरोपी से जान पहचान हुई। आरोपी ने उसे बहलाकर संबंध बनाए और अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल कर दुष्कर्म कर रहा था। आरोपी ब्लैकमेल कर रुपए भी ले चुका है। विरोध करने पर अश्लील फोटो इंटरनेट पर डालने की धमकी दे रहा है। धौलपुर जिले के महादेव मंदिर के पास घर की छत पर सूख रहे कपड़े लेने गई एक 12 साल की बालिका नीचे गिर गई। गंभीर रूप से घायल बालिका को लेकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के दौरान बालिका को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि 12 वर्षीय कल्पना घर की छत पर सूख रहे कपड़ों को उतारने के लिए गई थी। कपड़ों को उतारने के दौरान अचानक बालिका का पैर फिसल गया और वह नीचे रखे लोहे के सरियों पर जा गिरी। बालिका की चीख पुकार सुनकर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एएसआई फतेह सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। वही घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। टोंक जिले के उनियारा थाना प्रभारी सहित पुलिस टीम के साथ हाथापाई करने के मामले में पिता हरजीलाल मीना निवासी उदयपुरिया और उसके दो बेटों राजेंद्र और दिलकुश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ थाना प्रभारी भोपाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जांच अधिकारी बनेठा थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि 25 जून को अपराधियों को पकड़ने के लिए थाना प्रभारी भोपाल सिंह एएसआई रतनलाल मीना टीम के साथ गोड़ों की झोपड़ियां मीणों की झोपड़ियां में तलाश करते हुए टाबला तिराहे पहुंचे। इस दौरान सूचना मिली कि ऑनलाइन ठग उनियारा थाना क्षेत्र के उदयपुरिया निवासी देशराज मीना अभी घर पर आया हुआ है। देवरी में हुई फायरिंग करने के आरोपी नदान उर्फ लुक्का और हेमू बगड़ी भी इसके दोस्त हैं। वे देशराज के घर में हो सकते हैं। ऐसे में थाना प्रभारी टीम के साथ देशराज के घर पहुंचे, जहां मकान के बरामदे में देशराज मीना और उसके साथ राजेंद्र दिलखुश और उसका पिता हरजी राम और घर की महिलाओं ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। अजमेर जिले के बयावर में सूने मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। चोर ताले तोड़कर अलमारी से जेवरात, नकदी और कीमती सामान और पीड़ित के किराएदार की बाइक चोरी कर फरार हो गए। आदर्श नगर बयावर निवासी पीड़ित तेजस्वी पाठक ने बयावर सिटी थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि वह अपने पुश्तैनी घर अजमेर में गया हुआ था। उसके किराएदार भी अपने अपने गाँव गए हुए थे। दोनों किराएदार जब घर पहुंचे तो उनके द्वारा उन्हें फोन पर घर में चोरी होने की सूचना दी गई। चोरों ने अलमारी तोड़कर उनका कैमरा, 1.5 तोले सोने की चेन, 3 टाइटन की घड़ियां, 2 HMT की घड़ियां, 12,000 रुपये नकदी, ब्रीफकेस, कपड़े और ब्लूटूथ स्पीकर के साथ ही किराएदार की बाइक और उनका सामान भी चोरी कर फरार हो गए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। बांसवाड़ा जिले के घाटोल निवासी 45 वर्षीय कलावती बुनकर अपने घर के आंगन में बंधे पशुओं को चारा पानी डालकर दूध निकाल रही थी। उस दौरान टीन शेड में लगे पाइप करंट फैलने की वजह से कलावती की मौत हो गई। परिजन तत्काल घाटोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, वहां से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच कर मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक कलावती को परिजनों द्वारा करंट लगाना बताया जा रहा है। हालांकि शरीर पर कहीं कोई चोट के निशान नहीं है। मृतक कलावती के पति राजू ने बताया कि एक दिन बाद पुत्र वधू की गोद भराई रस्म कार्यक्रम रखा गया था। उससे पहले ही सासू मां की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।